फार्म पर दूध की शुद्धता बरकरार रखने के लिए पैकिंग सहित सभी काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। दूध को बल्क मिल्क कूलर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया ना पनप सके। तो हमारा उद्देश्य था कि जो गाय ने दूध दिया है वो हमारे कस्टमर तक पहुंचे, उसमें किसी तरह का कोई भी अडल्ट्रेशन, किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए। तो उसमें हर चीज़ में कोई ना कोई चैलेंज था। प्लास्टिक को लोग अवॉइड कर रहे हैं, अगर खुला दूध दिया तो अडल्ट्रेशन की संभावना रहेगी, क्योंकि आपने सही दिया है पर इन ट्रांजिट कोई अडल्ट्रेशन हो जाए तो उसको भी रोकना था। फिर ग्लास बॉटल का ऑप्शन बचा। ग्लास बॉटल में ऑप्शन में है कि आपको ग्लास बॉटल को दोबारा कलेक्ट करनी होती है और उसको साफ़ करना होता है, तो साफ़ जो है वो लेबर ही उसको साफ़ करेगी और आप वो हाइजीन जो है उसका मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो ग्लास का ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तो ऐसी कौन सी पैकिंग आए जिसके अंदर हम इसको सप्लाई कर सकें और एनवायरनमेंट को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। तो वेस्टर्न कंट्रीज में गैल्वनाइज पेपर से पैक किया हुआ दूध जो है वो सप्लाई हो रहा था, तो हमने यूएसए की निम्को मशीन उसके लिए जो थी वो इम्पोर्ट करी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ओनली केवल जो है वो निम्को की मशीन ही है जो गैल्वनाइज पेपर की पैकिंग करती है। तो उसके लिए हमने वो इम्पोर्ट करी और पेपर की पैकिंग दी, वो बायोडिग्रेडेबल पैकिंग है। तो यहाँ से पैक होने के बाद में, क्योंकि पेपर को अगर किसी ने रास्ते में एक बार फाड़ लिया तो उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो दोबारा पैक कर सके। तो ग्राहक तक लास्ट तक जो है उसका 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो उसके लिए इंसुलेटेड वैंस जो थी वो तैयार करवाई गई कि दूध जो है वो ठंडा का ठंडा पहुंचना चाहिए। तो दिल्ली तक जो है वो इंसुलेटेड वैंस में जाता है और उसके बाद में इंसुलेटेड बैग्स जो हैं उनसे जो डिलीवरी बॉय हैं वो कस्टमर के घर तक जो है उसको दूध पहुंचाते हैं। तो उसके अंदर भी उसको ध्यान रखा गया कि इंसुलेटेड बैग्स हैं, फिर भी उसके अंदर आइस जेल रखा गया कि 4 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो किसी भी हालत में मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक जो है वो उस चीज़ का ही पैसा दे रहा है कि उसको प्योर क्वालिटी मिलेगी, प्योर दूध मिलेगा और अच्छा दूध मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की ये चीज़ तैयार की गई।